नमस्कार, एशिया न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। आइए देखते हैं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। मणिपुर हिंसा में मरने वालों की संख्या 71 हुई। भारत पाक बॉर्डर पर बन रही है 42 चौकियां। कैलिफोर्निया में जातिगत भेदभाव के खिलाफ बिल। पाकिस्तान की जेल में बंद 198 भारतीय मछुआरे रिहा। छत्तीसगढ़ हर चौथे मरीज को सर्वाइकल कैंसर। झारखंड में पहली बोट एम्बुलेंस सर्विस 15 से। यूपी में सभी 17 नगर निगमों पर भाजपा। कुश्ती संघ के पदाधिकारियों पर प्रतिबंध लगाया गया। खरगोन में 46 डिग्री, दुनिया में चौथा गर्म शहर। लंदन में एक महिला की नेल पॉलिश से उंगलियां गली, हाथ मुड़ना मुश्किल। परिणीति राघव ने एक दूसरे को पहनाई सगाई की अंगूठी। कोहिनूर को वापस लाने के लिए अभियान छेड़ेगा भारत। भारतवंशी गीता राव होगी महिला मुद्दों की वैश्विक राजदूत। मणिपुर में घात लगाकर उग्रवादी हमले में सेना के 2 जवान जख्मी। पीएम शहबाज बोले, आतंकवादी है इमरान समर्थक, 72 घंटे में गिरफ्तार करो। सिडनी में स्वामीनारायण मंदिर में तोड़फोड़ करने वाले आरोपियों की तस्वीर जारी। राजस्थान के जयपुर के अस्पताल में मशीनों से मरीज तक दवाएं पहुंचेगी। अमेरिका में ऑटो मैकेनिक ने बियर से चलाने वाली मोटरसाइकिल बनाई। अमेरिका के सभी टिकटॉक यूजर्स का डेटा चीन के पास। इटली में कम हो रही जन्म दर पर पोप चिंतित, लोग भूखे बच्चों से ज्यादा कुत्तों से प्यार कर रहे हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एशिया न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद।